चुनाव खत्म हो चुके हैं और सभी चैनल्स की तरफ से एग्जिट पोल दिखाना भी शुरू किया जा चुका है। एग्जिट पोल भले ही एग्जैक्ट परिणाम ना बताते हों, लेकिन एक अनुमान तो लग ही जाता है कि परिणाम किसके पक्ष में आएंगे। जितने भी एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, उससे एक बात का तो अनुमान लग रहा है कि इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ही बनेगी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडिया ब्लॉक को इंटरनल में 295 सीटें लाने की बातें कही है, लेकिन एग्जिट पोल बिहार में एनडीए को नुकसान का अनुमान बता रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ बिहार में होने वाला है और किसके करियर पर तलवार मंडरा रहा है और किसके करियर पर खतरा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। देखिए, एग्जिट पोल के अनुमान अगर एग्जैक्ट में बदलते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, खास करके तब जब बीजेपी अपनी सभी सीटें निकाल ले और सहयोगी दल लूजर बन जाए। ऐसे में कई संभावनाएं दिखती है। एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि बिहार में एनडीए को 6 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो राजनीतिक बवंडर उठने की प्रबल आशंका दिखती है और लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद एनडीए में शामिल कई नेताओं की राजनीतिक हैसियत का भी अंदाजा लग जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार में नीतीश कुमार की जनता पर पकड़ कमजोर होने का अंदेशा लोग जता रहे हैं। वही इंडिया ब्लॉक की बात करें तो राजद नेता तेजस्वी यादव की सभाओं में जुटने वाली भारी भीड़ का भी राज खुल जाएगा कि भीड़ वोट में बदलती है या सिर्फ दिखावे की ही भीड़ रही। इस रहस्य से भी 4 जून को पर्दा उठ जाएगा। यह भी तेजस्वी समझ जाएंगे कि 2020 की तरह अपने अंदाज में उन्हें चलना चाहिए था कि पिता लालू यादव के गुर उनके लिए अधिक काम के हैं। कांग्रेस तो बिहार में बैसाखी के बिना कुछ कर नहीं पाती। चुनाव नतीजों से भी यह साफ हो जाएगा कि राजद उसे आगे ढोना चाहेगी या फिर 25 के चुनाव में उसे ढोना नहीं चाहेगी। वहीं नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हालत हुई और जिस तरह से वह इधर उधर होते रहे, उसे जनता ने माफ किया है या फिर नाराजगी अभी भी बरकरार है, यह चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। नीतीश अगर भाजपा के बराबर या अधिक सीटें ला पाते हैं तो उनके आगे भी सादर के साथ भाजपा मजबूती से रहेगी। असेंबली इलेक्शन की तरह परफॉर्मेंस रहा तो भाजपा उनसे मुक्ति पाने में ही भलाई समझेगी। तब यह भी संभव है कि भाजपा 2025 तक उन्हें ढोने से मना कर दे। नीतीश को खराब परफॉर्मेंस की स्थिति में जदयू के अस्तित्व को बचाए रखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और अगर परिणाम एनडीए के हक में आ जाता है तो जल्द ही उनकी पार्टी में भी टूट देखने को मिल सकती है। और बहुत हद तक संभव है कि जदयू के लोग भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे और इसका कुछ लाभ जो है वह राजद भी उठा सकती है। लेकिन इसके लिए राजद का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले इस बार सुधारना जरूरी है। 2019 के संसदीय चुनाव में राजद ने एक भी सीट नहीं जीती थी। वैसे चुनावी आकलन राजद की स्थिति में सुधार का संकेत दे रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सम्राट चौधरी के लिए भी यह चुनाव उनका भविष्य तय करेगा और बताएगा कि उनका भविष्य क्या है। सम्राट को आवश्यकता से अधिक तरजीह देकर कुशवाहा कार्ड खेलना भाजपा के लिए अगर फायदेमंद नहीं रहता है तो सबसे पहले उनकी अध्यक्षता जा सकती है। उनके साथ और कोई दूसरा भी खेल हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भाजपा ने उन पर पूरा भरोसा किया। वे अपने बरादरी के वोट बतौड़ने में कामयाब रहते हैं या फिर लालू यादव का कुशवाहा कार्ड अभी भी कारगर होता है, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वहीं भाजपा ने नीतीश के बाद अगर किसी को तरजीह दी है तो वह थे चिराग पासवान। गठबंधन में सर्वाधिक तरजीह उन्हें मिली। उनके लिए भाजपा ने पशुपति कुमार पारस को किनारे कर दिया। वे अगर अपनी 5 सीटें निकाल पाएं तो बिहार में नीतीश के बाद वे ही भाजपा के सबसे भरोसेमंद साथी साबित होंगे और अगर वे ऐसा कर पाने में असफल रहते हैं तो भाजपा का उनसे भरोसा उठ जाएगा और उनके राजनीतिक करियर के लिए भी इस बार का चुनाव काफ़ी अहम है। तो जाहिर सी बात है, आपको बता दें कि इस बार के चुनाव परिणाम जो आएंगे तो भाजपा के अलावा और जितनी भी दल हैं या फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भविष्य का फैसला इसी चुनाव में हो जाएगा। चाहे वह नीतीश कुमार हो, चाहे वह चिराग पासवान हो या फिर कांग्रेस हो, राजद तय करेगी कि कांग्रेस को आगे लेकर चलना है कि नहीं और भाजपा तय करेगी कि नीतीश कुमार का क्या करना है और चिराग के साथ क्या करना है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव परिणाम जब आ जाएंगे तो किसके राजनीतिक करियर पे तलवार मंडरा रहा है और किसको सबसे ज़्यादा खतरा है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।